अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट 4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? इट इज यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। स्टूडेंट्स, ये एक यूनिवर्सल रूल है इस वर्ल्ड का कि जो हर चीज जो होती है, इट टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। एटम्स कैसे स्टेबिलिटी अचीव करते हैं? वो अटेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की, हीलियम, नियॉन और एयर एक्सेट्रा, जिनकी NS2 और NP6 कम्प्लीटली स्टेबल होते हैं। उनके जो शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। हैविंग 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वेलेंस शेल इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर वेलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये स्टेबिलिटी का साइन है। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वेलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। वेलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने को कहते हैं डुप्लेट रूल। व्हाइल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वेलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट रूल और अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वेलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। नोबल गैसेस डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वेलेंस शेल। नोबल गैसेस के पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वेलेंस शेल में। इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेस हैव द वेलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड। इसका मतलब कि तमाम नोबल गैसेस के वेलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती। देयर एटम्स डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस इन देयर वेलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। उनके एटम्स में कोई वेकेंट स्पेस नहीं होती उनके वेलेंस शेल में कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकें। दैट्स वाई नोबल गैस डू नॉट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन, कि नॉन रिएक्टिव होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल अदर एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इम्पॉर्टेंस क्या है कि तमाम एटम्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर सकें। For this purpose, atoms combine with one another, which is called chemical bonding. सिर्फ इस purpose के लिए, stability attain करने के लिए atoms क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ combine करते हैं, जिसे chemical bonding कहते हैं। In other words, atoms form chemical bonds to achieve stability by acquiring inert gas electron configuration. Atoms क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ react करते हैं chemical bond बनाने के लिए, ताकि स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वेलेंस शेल इन 3 ways। एक एटम जो है अपने वेलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 3 तरीकों से अकोमोडेट कर सकता है। बाय गिविंग वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स। अगर तो उसके वेलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो बाय गिविंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम इफ वेलेंस शेल हैज 5 or more इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम। अगर उसके शेल में 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाय शेयरिंग वेलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, शेयरिंग के साथ भी अकोमोडेट कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स एवरी एटम हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वेलेंस शेल। इसका मतलब है कि हर एटम की एक टेंडेंसी है क्या 2 to 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। नाउ विल डिस्कस केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, एक अट्रैक्शन की फोर्स है जो एटम्स के दरमियान में जो उन्हें इकट्ठा एक सब्सटेंस में रखती है। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर। बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान एक फोर्स होती है जो उन एटम्स को फिर इकट्ठा रखती है, दैट होल्ड्स देम टुगेदर। दिस अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन आउटर मोस्ट शेल ईदर बाय शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेट करना आउटर मोस्ट शेल में या शेयरिंग से या लूजिंग या गेनिंग से, इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। दिस ऑक्टेट रूल ओनली सिंबलाइजेज दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी अटेन्ड बाय एटम्स व्हेन दे कंबाइन और रिएक्ट। ये सिंबलाइज क्या कर रही होती है रूल, कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो उन एटम्स से जब वो कंबाइन करती है या रेस्ट पर होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम, जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है एस सबशेल में जो कि डुप्लेट रूल है, वो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है आयंस के दरमियान में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलर एटम्स में हो या उन एटम्स के दरमियान में जिनमें कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, तो फिर केमिकल फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। ये शेयरिंग म्यूचुअली हो सकती है और वन साइडेड भी हो सकती है। व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोजर, जब दो ऐसे एटम्स जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं वो क्लोजर आते हैं, तो उनकी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेज बिकम ऑपरेटिव। जो फॉर्मेशन होती है केमिकल बॉन्ड की एज अ रिजल्ट ऑफ नेट, वो उस नेट फोर्स का रिजल्ट होती है जो डोमिनेट होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दे यूजुअली रिजाइड इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। यूजुअली ये एटम के आउटर मोस्ट पार्शली या इनकम्प्लीट शेल में होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दिस वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, दे रिजल्ट इन फॉलोइंग फोर टाइप्स: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या मेटेलिक बॉन्ड। फोर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हो सकती हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है? जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप वन और टू के, बीइंग मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप वन और टू के मेटल्स होते हैं, उनमें टेंडेंसी है कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ताकि पॉजिटिवली चार्ज आयन बना सकें। वेयर एज जो नॉन मेटल्स हैं ग्रुप 15 से 17 के, उनमें टेंडेंसी है कि वो एक्सेप्ट कर सकें या गेन कर सकें इलेक्ट्रॉन्स। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। ये जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। इफ एटम्स बिलोंगिंग टू टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अलाउड टू रिएक्ट, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। अभी जो एटम्स थे इन दो ग्रुप्स के, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, अब अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाएं, तो केमिकल बॉन्ड एक बनता है। एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड की टाइप जो बनती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एटम से दूसरे एटम में, इसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। 2Na plus Cl2 gives us 2NaCl. Sodium chloride एक सिंपल कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोरीन से बन रहा है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन क्या है? सोडियम में 11 होते हैं और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्रेम इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये इंडिकेट कर रहा है वो वैलेंस शेल। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 है। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो टेंडेंसी रखता है कि वो लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। एंड क्लोरीन बींग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसमें टेंडेंसी कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनाएंगे बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन टू नियरेस्ट नोबल गैसेज। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, जब वो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव आइन and it is left with 8 electrons in second shell which now become valence shell. जब वो lose करते sodium तो अब उसके पास सिर्फ 8 electron बचे और वो attain कर चुके noble gas configuration, और chlorine जब gain करते हैं एक electron तो उसके पास 8 electrons हो जाते हैं outer most shell में। तो इस तरह से दोनों जो हैं change होते हैं oppositely charged ions में, वो stabilize कर लेते हैं एक दूसरे के electrostatic forces की वजह से। It is to be noted that only valence shell electron takes part in this type of bonding. सिर्फ valence shell electron इस तरह की bonding में part लेता है, जबकि other electrons part नहीं लेते। तो इस तरह का reaction जैसे heat is usually given out. Compounds जो बनते हैं उन्हें कहते हैं ionic compounds.